बाकी कोई आया था क्या? हाँ, कमला माँ आई थी। उन्हें पता चल गया कि कल्पी का कैफे मैंने तोड़वाना चाहा। बहुत समझदार है ये कमला, पर उसे हमारे प्लान के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। नहीं पता चलेगा आंटी, डोंट वरी। पर घबराहट में आज मैं उनको सब कुछ बताने वाली थी। व्हाट? पाखी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता। कमला इज अ वेरी स्मार्ट लेडी, अगर उसे पता चल गया ना कि कैसे मैंने तुम्हें राघव और कल्पी की शादी के बारे में बताया था और फिर तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे पति की मौत का बदला लेने में तुम मदद करोगी अगर मैंने कल्पी और राघव की शादी नहीं होने दी, अगर ये सारी बातें उसने मेरे बेटे को बता दी ना तो मैं खो दूंगी अपने बेटे को। इतने सालों बाद मुझे मेरा बेटा मिला है, नहीं रह सकती मैं अपने बेटे के बिना। तेरा झूठ मैं समझ गई थी बाकी, इसीलिए बाहर खड़ी थी कि खुद देखूं कि मेरी बेटी सच्ची है या झूठी। पापा मेरी आई को संभालना। मैं जानती हूँ कि आज जो पाखी ने किया उसके बाद आई को बहुत बुरा लगा है। आई ने हमेशा मुझसे ज्यादा उसे प्यार दिया, उसे अपनी बेटी से बढ़कर समझा और पाखी ने उनके प्यार, उनकी उम्मीद का मजाक उड़ाया। मेरी आई को हिम्मत देना पापा, उसका दिल बहुत प्यारा है, उसे टूटने मत देना।